It was once said by Mother Teresa that every child is a different kind of flower, and all together they make this world a beautiful garden. नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आज के वीडियो में. फ्रेंड्स, प्री मेच्योर बेबीज वो होते हैं जिनका जन्म प्रेगनेंसी की ड्यू डेट से 3 सप्ताह से ज़्यादा पहले होता है. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रेगनेंसी के 37th वीक के शुरू होने के पहले ही जिन बच्चों का जन्म हो जाता है उन्हें प्री मेच्योर कहा जाता है. प्री मेच्योर बेबी का बर्थ वेट यानी कि जन्म के समय वजन कितना होगा, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी के कौन से वीक में बच्चे का जन्म यहाँ पे हुआ है. एग्जाम्पल के लिए, अगर बच्चा 35th वीक में बॉर्न हुआ है तो उसका वजन 31st वीक में बॉर्न होने वाले बेबी से डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा रहेगा. यहाँ क्योंकि बेबीज मैक्सिमम वेट गेन करते हैं प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर के दौरान, तो अगर आपका बच्चा प्री मेच्योरली बॉर्न हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चे के अंडर वेट होने के. प्री टर्म बेबीज़ को बर्थ वेट के बेसिस पे 2 कैटेगरीज में यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है. लो बर्थ वेट कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनका जन्म के समय वज़न 2.5 kg या 2.5 किलो से कम होता है. वहीं वेरी लो बर्थ वेट कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं, वो प्री टर्म बेबीज़ आते हैं जिनका जन्म के समय वज़न 1.5 kg या 1.5 किलो से कम होता है. फ्रेंड्स, यहाँ हमने जान लिया प्री मेच्योर बेबीज़ के बर्थ वेट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को. अब हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और जानते हैं प्री टर्म या प्री मेच्योर बेबीज़ के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को, और इसी के साथ ही बहुत सी इंपॉर्टेंट टिप्स को जानेंगे जो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी प्री मेच्योर बेबीज़ के वेट गेन में. वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़रूरी जानकारी को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ऐसी ही आने वाली बेबी हेल्थ से जुड़ी सही गाइड के लिए. लेट्स बिगिन, कीप वॉचिंग. फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं प्री मेच्योर बेबीज़ के नरिशमेंट को यानी उनके पोषण को. ब्रेस्ट फीडिंग या मदर फीड जो होता है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे होता है बेबी के वेट गेन और उनकी ओवरऑल वेलनेस के लिए. बात यहाँ पे की जाए प्री मेच्योर बेबीज़ की, तो मदर मिल्क ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस्ड है तो पचने में ये आसान रहता है. साथ ही ये प्री मेच्योर बच्चे की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है, उनकी हेल्थ है, उसको बढ़ावा देता है, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से उनका बचाव करता है. मोस्ट कॉमनली जो प्री मेच्योर बेबीज़ होते हैं वो एट फर्स्ट यानी शुरुआती समय में मदर फीड या बॉटल फीड नहीं ले पाते, तो ऐसे सिचुएशन में मदर मिल्क को पम्प किया जाता है और एक ट्यूब की मदद से जो मुंह में या नाक में लगाई जाती है उसके द्वारा स्टमक में न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे पहुँचते हैं. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे को वाइटल न्यूट्रिएंट्स राइट टाइम पे मिले, तो इसके लिए प्री मेच्योर बेबीज़ जो होते हैं उन्हें एक फिक्स्ड स्केड्यूल पे फीड किया जाता है यानी एक रेगुलर इंटरवल में उन्हें फीड किया जाता है बजाय कि बच्चे की डिमांड पे. यहाँ क्योंकि प्री मेच्योर बेबी स्मॉल होते हैं या फिर सिक होते हैं मेडिकली कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से, तो ऐसे में एट फर्स्ट बच्चे को यहाँ पे मदर फीड नहीं कराया जाता, बच्चे नहीं ले पाते, तो मदर मिल्क सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए रेकमेंडेड होता है कि मदर दिन भर में 8 बार मिल्क ज़रूर से एक्सप्रेस करे, जिसमें से 1 बार नाइट में मिल्क एक्सप्रेस करना यहाँ पे ज़रूरी है मिल्क सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, ताकि जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार हो तो आप उसकी नीड को बराबर से पूरा कर सकें. प्री मेच्योर या प्री टर्म बेबीज़ के नॉरिशमेंट यानी पोषण से जुड़ी कुछ और ज़रूरी बातों को भी हम जान लेते हैं. जैसे शुरुआती समय में प्री मेच्योर बेबीज़ को स्लोली फीड किया जाता है सीरियस इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, और इसी के साथ ही अगर प्री टर्म बेबी बहुत ज़्यादा सिक है, मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उनमें न्यूट्रिशन की पूर्ति जो होती है वो इंट्रावीनस फीडिंग के द्वारा यहाँ पे की जाती है. अगर मदर की मिल्क सप्लाई यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं हुई है तो बच्चे का जो पोषण है वो फॉर्मूला मिल्क या फिर डोनर ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा किया जाता है,
और इसी के साथ ही जब बच्चा तैयार होता है धीरे धीरे मदर फीडिंग के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो एक कंबाइंड फीडिंग मेथड को यहाँ पे अपनाया जाता है, यानी बच्चे को ट्यूब के द्वारा भी फीड किया जाता है और मदर भी यहाँ पे फीड करती है जब बच्चे की कंप्लीट पोषण की पूर्ति यानी कंप्लीट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मदर मिल्क के द्वारा यानी मदर के फीड करने के द्वारा पूरी होनी शुरू हो जाती है, तो बच्चे को एक्सक्लूसिवली मदर फीड यहाँ पे कराया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ हमने जान लिया प्री मेच्योर बेबी के पोषण यानी नॉरिशमेंट से जुड़ी बहुत सी इम्पॉर्टेंट बातों को। अब यहाँ पे जान लेते हैं इम्पॉर्टेंट टिप्स को, उन सभी ज़रूरी बातों को जो प्री मेच्योर बेबी के हेल्दी वेट गेन में कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। प्री मेच्योर बेबी के हेल्दी वेट गेन की सबसे पहली इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पे है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, यानी बेबी का मदर या फादर के साथ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना सिर्फ उनके वेट गेन के लिए बल्कि इसके साथ उन्हें वार्म रखता है, रेगुलेट करता है उनकी हार्ट बीट को, उनकी ब्रीदिंग रेट को, इसके साथ ही इंश्योर करता है उनकी अच्छी नींद को और ब्रेस्ट फीडिंग के चांसेस को भी ये बढ़ाता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पे है मसाज। मसाज जो है वो ना सिर्फ बच्चे के वेट गेन में मदद करती है बल्कि उनके बिहेवियर, उनके मेंटल डेवलपमेंट में ही मददगार रहती है। आपको एट अ टाइम 15 मिनट तक बच्चे की मसाज यहाँ पे ज़रूर से करनी है। हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं, बेबी के वेट गेन में यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पे है रेगुलर डॉक्टर्स विजिट। डॉक्टर की विजिट आपको किसी भी हालत में यहाँ पे मिस नहीं करनी है, स्पेशली प्री मेच्योर बच्चों के केस में एक रेगुलर डॉक्टर विजिट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती है उनके कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए, साथ ही हर विजिट पे बच्चे का वेट यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए। अगर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है तो डॉक्टर आपको कुछ ज़रूरी बातें एडवाइस कर सकते हैं, साथ ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं बच्चे के लिए कुछ ज़रूरी सप्लीमेंट्स जो उनके वेट गेन में मददगार रहेगा। इन सभी इम्पॉर्टेंट टिप्स के साथ अगली टिप जो यहाँ पे है वो मदर के लिए है कि मदर अपनी डाइट का यहाँ पे ज़रूर से ध्यान रखें। एक न्यूट्रिशनल डाइट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पे कर रहे हैं तो प्री मेच्योर बेबी के अच्छे वेट गेन के लिए आप प्रोटीन से भरपूर डाइट लीजिए, हेल्दी फैट से भरपूर डाइट लीजिए, साथ ही इस तरह की डाइट लीजिए, सप्लीमेंट लीजिए जिसमें अच्छा कैल्शियम हो, आयरन हो आपके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को, और उसी के साथ इसकी क्वालिटी को भी ये बढ़ाएगा, प्री मेच्योर बच्चे के वेट गेन में ये मदद करेगा। एक प्री मेच्योर बेबी के हेल्दी वेट गेन के लिए आगे इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पे है कि बच्चे के लिए आप अपना लव एक्सप्रेस करें, उन्हें हग कीजिए, कडल कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ खेलिए, इससे बच्चे का इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा और इसी के साथ ही एक हैप्पी बेबी जो है वो हेल्दी वेट गेन ज़रूर से करेगा। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको बेबी को रेगुलर इंटरवल पे ज़रूर से फीड करना है, क्योंकि बेबी के वेट गेन के साथ उसके मेंटल डेवलपमेंट के लिए मदर मिल्क यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को आप ज़रूर से फीड कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज यहाँ हमने जाना प्री मेच्योर बेबीज़ के नरिशमेंट के बारे में और इसी के साथ ही बहुत से इम्पॉर्टेंट टिप्स जो प्री मेच्योर बच्चे के वेट गेन में कंट्रीब्यूट करेंगी। फ्रेंड्स, लास्टली मैं आपसे एक यही बात कहूँगी कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चा डिफरेंट पेस पे वेट गेन करता है। कुछ प्री मेच्योर बच्चे फास्ट रेट पे वेट गेन करते हैं, वहीं कुछ प्री टर्म बेबीज़ जो होते हैं वो स्लोअर रेट पे
वेट गेन करते हैं, तो आप यहाँ पे चिंता मत कीजिए, रेगुलर डॉक्टर को विजिट ज़रूर से करते रहिए। और इसी के साथ ही एज लॉन्ग एज आपका बच्चा हैप्पी है, हेल्दी है, एक्टिव है, तो आपको यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा। आज की ये जानकारी आपके बच्चे के वेट गेन में मदद करे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए हमारे चैनल को। बच्चे की हेल्थ से जुड़ी आने वाली बहुत सी सही और अच्छी जानकारी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे फिट।